हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में चैनल में। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा तिकोमा या येलो बेल कह लीजिए या फिर गौरी चौरी इसको कहते हैं। ये किसी भी नाम से आपके यहाँ जाना जाता हो, लेकिन फूल देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में खिल रहे हैं। अभी बरसात का समय चल रहा है, वैसे तो ये पूरा साल फूल देने वाला पौधा होता है। बस आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे आप इतने ज़्यादा फूल पा सकते हैं, क्या क्या इसकी केयर टिप्स होती हैं और फर्टिलाइज़र क्या देना है, कैसे इसकी आप नई कलम बनाकर नया पौधा बना सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यह जो गौरी चौरी का पौधा होता है पूरा साल फूल देता है। बस जो जब ज़्यादा जाड़ा पड़ता है उस समय केवल यह फूल कम देता है, डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है एक दो महीने के लिए, बाकी पूरा साल आपको फूल मिलते रहेंगे। तो आपको दिखाते हैं, ये पौधा हमारे पास लगभग 2 साल से है पिछले, लेकिन पहले ये छोटे गमले में लगा हुआ था और इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती थी। अभी देखिए इसकी जो सॉइल मिक्सचर है बहुत ही अच्छा हमने बना रखा है और यहाँ पर ये 18x18 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। जब से हमने इसको 18x18 के ग्रो बैग में लगाया था तो इसकी एक अलग ही ग्रोथ देखने को मिली है। और शुरुआत में देखिए फूल का साइज़ जो है छोटा आता था गुच्छों का साइज़, लेकिन अभी गुच्छे का साइज़ बहुत बढ़ चुका है। नई नई कलियाँ हमेशा निकलती रहती हैं, कभी फूल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये देखिए, जो भी नई कली निकलती है वो इसमें फूल की जो कलियाँ होती हैं उनको लेकर के निकलती है। और अगर आप कटिंग लगाना है तो इस टाइप की जो देखिए ये जो ब्रांच होती है यह सबसे अच्छी होती है, इसमें जड़ें बहुत जल्दी निकल आती हैं। अगर आपके पास रूटिंग पाउडर हो तो आप साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं कटिंग। इसका यहाँ से छिलका हल्का सा उतार देना होता है और लगभग 1 सेंटीमीटर में, और उसके बाद उसमें रूटिंग पाउडर लगा दीजिए और इसको मिट्टी में लगा दीजिए। कलम लगाते समय ध्यान रखें कभी भी इसमें वर्मिंग कंपोस्ट ना मिलाएं, केवल नॉर्मल मिट्टी में ही लगाएं। लेकिन बरसात के समय में अगर आप लगाते हैं तो कैसे भी आप लगा दीजिए, ये कटिंग आसानी चल जाती है, बस इसको कुछ दिनों के लिए छाया में रखना होता है। ये देखिए, हमने कटिंग से ही तैयार किया था। ये इसका पेड़ का देखिए, यहाँ इतना मोटाई का हो गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ में है, पत्तियाँ भी बहुत ज़बरदस्त निकल रही हैं। ये भी अंगूठे की मोटाई का हुआ है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसको भी हमने कटिंग से ही लगाया था। और जितने चाहे आप उतने पौधे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी हाइट से ऊपर हो चुका है, लगभग 6.5-7 फीट का हाइट का पहुँच गया है ये, और अभी भी इसमें कलियाँ निकलना बंद नहीं है, ये देखिए। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, लेकिन ये ज़मीन में लगाने के लिए पर्याप्त इसको मिट्टी चाहिए होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा बड़े ग्रुप में लगाएं। ये देखिए, ये हमने कटिंग से जब तैयार किए थे पहले तो इस तरीके से ये पौधे थे। अब आपको हम दिखाते हैं पूरा अपडेट, कैसे हमने पौधे तैयार किए हैं, इतना बड़ा पौधा कैसे पहुँचा है। तो ये देखिए, जो दो कटिंग हमने तैयार की थी, एक कटिंग हमने मोटी वाली ब्रांच से ली थी और एक पतली। तो जो पतली वाली है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर चुकी थी। और यहाँ पर देखिए, ये जो मोटी वाली डंडी हमने लगाई थी इसमें जो ग्रोथ हुई थी बहुत थोड़ा धीरे हुई थी, पत्तियाँ काफ़ी दिनों बाद निकली थी। लेकिन जो पतली वाली थी, जो नई शाखा थी, उसमें बहुत जल्दी पत्तियाँ निकली थी। और इसको देखिए, हम इस तरीके से लगा दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद कुछ दिनों के लिए हम रख देंगे, लगभग 2-3 महीने इसी में रखा रहेगा। उसके बाद जब इसको पानी देते हैं, पानी देने के बाद इसको हम धूप में रखेंगे। अभी देखिए ये हो चुका है, लगभग 3-4 महीने बीत गए हैं इसको लगाए हुए और पौधा हमारा इतना बड़ा हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो मिट्टी होती है इसको धीरे धीरे हटा करके ऊपर से, और फिर इसको हम रिपोर्ट करेंगे आज। तो रिपोर्ट करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए, खुरपी की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा इसकी मिट्टी हटा देंगे ऊपर की, और इसको आज हम थोड़ा बड़े गमले लगाएंगे। लगभग 14 इंच का गमला लेंगे, उसमें हम लगा देंगे। और लगाने का काम, जो ट्रांसप्लांट करने का काम है, वो आप कभी भी करें, शाम के समय करें या फिर अर्ली मॉर्निंग में करें। दोपहर के समय अगर करेंगे तो, या अगर उसकी रूट डैमेज हुई तो फिर वो पौधा में विल्टिंग की समस्या आ सकती है, मुरझाने का डर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये पौधा हमने लगा दिया था और ये लगभग 4-5 महीने फिर से बीत गए हैं, यानी कि इस पौधे को कटिंग से लगाए हुए लगभग 1 साल हो चुका है और यह पौधा इस दशा में हो गया है कि इसकी पत्तियाँ जो हैं थोड़ा छोटी निकल रही हैं अभी, क्योंकि इस पौधे को ज़मीन ज़्यादा पसंद होती है। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है ये और बहुत ज़्यादा फूल निकालता है। फूल तो इसमें अभी भी बहुत आए थे, लेकिन हमने फूल तोड़ दिए थे ताकि थोड़ा पौधे की ग्रोथ हो जाए, फिर भी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने सोचा है कि इसको हम 18x18 के ग्रो बैग में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी मिलेगी, जड़ें फैलने के लिए पर्याप्त मौका मिलेगा।
तो दोस्तों ये मिक्सचर जो हमने भरा है इसमें हमने लगभग 3 भाग जो नॉर्मल मिट्टी ली हुई है, जो खेत की मिट्टी होती है वो वाली मिट्टी हमने ली है, और 1 भाग यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट हमने मिलाई है। यहाँ पर देखिए इसकी जो रूट बॉल सहित इसको हमने निकाल लिया है। रूट बॉल के साथ निकालने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो इसकी जड़ें हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए इस तरीके से हम लगा देंगे इसको, और ऊपर से लगभग 4 से 6 इंच तक हम खाली रखेंगे ताकि हमको कभी भी खाद मिलाना हुआ, वर्मी कंपोस्ट देना हुआ तो वो हम आसानी से ऐड कर सकें। यहाँ पर देखिए अभी मिट्टी थोड़ा इसमें ढीली है तो इसको हाथों से दबाते हुए इस तरह से कस देंगे और उसके बाद पानी दे देंगे। दोस्तों ये देखिए जब से हमने इसको पौधे को लगाया हुआ है और लगाने से के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं, कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट है, बहुत अच्छी पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं, और ये देखिए पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से हो रही है। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, ऐसी जगह पौधे को रखिए जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आती हो तो आप बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। अभी कलियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं फूल वाली, आपको दिखाएंगे रिजल्ट आगे का भी कैसे कितने फूल आते हैं। और ये देखिए मॉइस्चर इसमें हमने बना के रखा हुआ है, जब भी आपको लगे कि पौधे की पत्तियाँ मुरझा रही हैं तब आप इसमें पानी दे दीजिए। जितना ज़्यादा इसको मॉइस्चर आप बना के रखेंगे उतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ही कम देखरेख वाला पौधा है, अभी तक इसमें हमने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बस मिट्टी बना करके जब इसका हम ट्रांसप्लांट करते आए हैं तभी मिट्टी बना के इसके लगा देते हैं, उसके बाद कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। आप चाहें तो NPK जो कोई ग्रेड का आपके पास रखा हो उसको घोल करके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन इसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यह इतना विग्रस ग्रोथ वाला पौधा होता है। अभी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसमें गुच्छे निकल आए हैं फूलों के, और बरसात के समय में तो खासकर इसमें फूल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आपके अगर घर में लगा होगा या बाहर लगा होगा तो आप सभी लोग आपके यहाँ देखते रहेंगे कि इतना ज़्यादा फूल इसमें खिलते हैं कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही ग्रीन होती हैं तो उनका कलर जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसका जो शेप होता है वो भी पत्तियों का वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, अगर आपके आसपास कहीं भी लगा हुआ है तो आप जाएं वहां से एक कटिंग तोड़ के लाएं, इसकी एक ब्रांच तोड़ लाएं और एक नया पौधा बना लीजिए जो आपको हमेशा के लिए बहुत सारे फूल देगा। सुबह सुबह आप उठेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नीचे बिखरे हुए फूल पड़े होते हैं। तो ये दोस्तों पौधा बहुत ही हमें अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फूल पाने हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इसको 14 से 15 इंच का जो गमला होता है उससे बड़े पॉट में लगाइएगा। छोटे पॉट में लगाएंगे, छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको फूल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इसको ज़मीन में कहीं लगा दिया तो आप देखते रह जाएंगे इतना ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। दोस्तों तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।